प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को पवित्र नमस्कार। आप देख रहे हैं हम एक बहुत ही उत्तम जगह में हैं। ये कालू सिद्ध मंदिर है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और ऐसी मान्यता है कि बहुत सारी आशीषें उनको मिलती हैं। और आज हम ऐसे ही स्थान में खड़े होकर आपके बीच बात करना चाहते हैं। संत कबीर ने ऐसा कहा कि माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, और मन का डार दे मन का फेर। आज सारी दुनिया में ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो या और कोई हो, सब लोग माला फेरने में लगे हुए हैं। सोचते हैं माला फेर कर हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, परंतु प्रियो ऐसा नहीं। दुनिया में ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कहना है कि हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु वहां भी कंठी जपते हैं, वहां भी तरीके तमाम तरीके की ऐसी बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर को प्रिय नहीं है। प्रियो हमें हृदय के माला को जपने की जरूरत है। अगर हम हृदय के माला को नहीं जपेंगे तो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि तुम अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो कोठरी के अंदर जाओ, पर उसका उद्देश्य और उसका मतलब यह नहीं था कि कोई छोटा सा मकान हो, चारों तरफ से बंद हो, वहां बैठो, वहां जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता था, जैसा अभी कबीर दास जी की बात मैंने आपको बताई कि मन का फेर दे मन का फेर। ये हृदय की माला को जपने की जरूरत है। तो जब वो कहता है कि कोठरी में जाकर प्रार्थना करो, तो प्रियो ये हृदय की कोठरी है, ये आपका हृदय है जहां ईश्वर निवास करता है। हिंदू धर्म में ऐसा पाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि किसी हर एक मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास होता है, परंतु उन्हीं देवताओं को ढूंढने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, इधर उधर फिर घूमते रहते हैं। परंतु अगर हमें ईश्वर के पास जाना है तो हमें अपने हृदय की खोज करना होगा। जब हम हृदय की ओर जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पल भर में तुम्हें मिल जाने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। ये संसार ही है जहां हमें तमाम तरीके की बातों से होकर गुजरना पड़ता है, तमाम दुख दर्दों से गुजरते हैं, तमाम उलझनों से गुजरते हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं। और मनुष्य को एक अगर कोई चीज चाहिए वो एक ही चीज है, शांति। और शांति सिर्फ परमेश्वर देता है। शांति के लिए ही मनुष्य सारे सब कुछ करता घूम रहा है, परंतु शांति उसे प्राप्त नहीं हो रही है। शांति के लिए ही वो कंठी जप रहा है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। शांति के लिए हमें जाना पड़ेगा हृदय की ओर, हृदय की गहराइयों की। और जब अपने आप को हम सौंप देते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर प्रिय अपने हाथों में आपको ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ बैठूंगा, भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो ये हृदय का द्वार प्रियो महत्वपूर्ण द्वार है। जिस दिन ये हृदय का द्वार खुल जाता है, ईश्वर हमारे पास खुद आ जाता है। और जब तक ये हृदय का द्वार बंद है तो हमारी कोई भी पूजा, कोई भी आराधना, कोई भी ऐसी तपस्या कभी भी परमेश्वर के पास तक हमें नहीं पहुंचा सकती है। मैं रेवरेंड थॉमस मैसी, विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया, एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय मसीह।